वेलकम टू माय चैनल परिपूर्णा और मैं हूं आपके साथ पापिया। आज मैं करने वाली हूं सरस्वती पूजा मेकअप लुक। तो मैं साड़ी पहन चुकी हूं और अब मैं अपनी मेकअप और हेयर बनाने वाली हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि मेकअप के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूं और किस तरीके से मैं अपनी मेकअप करती हूं। तो चलिए, मैंने अपनी फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और मैं अपनी फेस में अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजर, पॉन्स का ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर फेस में अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं अपना मेकअप करूंगी। मैं मेकअप करने से पहले अपने फेस में इल्यूमिनेटर यूज़ करती हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 20 का इल्यूमिनेटर और मेरा सेड है 01 गोल्डन पिंक। मैं गोल्डन पिंक इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इल्यूमिनेटर लगाते ही फेस में एक अलग सी चमक सी आ गई और अपने पूरे फेस में लैक्मे का ये सीसी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ और मेरा सेड है ब्रॉन्ज। ये मेरे फेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच होता है तो मैं इसे ही हमेशा यूज़ करती हूँ और ये मेरे चेहरे पे डार्क भी नहीं होता है तो मुझे ये लगाना ही बहुत अच्छा लगता है। ब्लेंडर की मदद से और अब मैं अपने फेस को कंटूर करने वाली हूँ और कंटूर करने के लिए मैं मार्स का एक कंटूर पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। हो गया, अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी। और मैं अपने फेस में अब कॉम्पैक्ट यूज करने वाली हूँ। मेरे पास एक ब्राउन पेंसिल है, मैं इसी से अपने आईब्रोज को फिल कर। और अब मैं इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। मैं आईब्रोज को फिल कर लिया और अब मैं अपनी आई मेकअप स्टार्ट करूंगी और आई मेकअप के लिए मैं पहले इसे लगा लेती हूँ। आईशैडो लगाने से पहले मेरे पास से लैक्मे का जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी सा है तो मैं इसे अपनी आईशैडो से पहले इस्तेमाल करती हूँ। तो पहले मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। और आपके आईशैडो अगर पिगमेंटेड भी नहीं है तो वो बहुत अच्छी तरह अच्छी पिगमेंटेशन देती है। मैं इसीलिए इस स्टेप को फॉलो कर और आई शैडो के लिए मैं अपनी आई शैडो पैलेट से इस पिंक कलर को यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी आई शैडो से जो ये गोल्डन सेड है मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गोल्डन सा है तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और आईलाइनर के लिए मैं एक टचअप का वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का नेचर स्टूडियो काजल। काजल तो लगा लिया पर काजल हमेशा ही स्मच होती है तो मैं उसके लिए कुछ ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ और वो है मैं हमेशा काजल के ऊपर पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिंपली एक वाटर प्रूफ जो आईलाइनर है
से इस्तेमाल करती हूँ। मेक श्योर कि वो आईलाइनर वाटरप्रूफ ही है। मैं वैसे आईलाइनर को अपनी काजल के अपनी आईज़ की वाटर लाइन में लगा लेती हूँ। इससे मेरा जो काजल है वो स्मच नहीं होता है और इससे काजल भी थोड़ा बोल्ड लुक आता है। थोड़ा सा आईलाइनर मैं नीचे भी लगाने वाली हूँ। मेरा आई मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी फेस में अब हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ और लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। ब्लश के लिए मैं मसीहो का ब्लश पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं हिलारी रोडा का हाइलाइटर पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे मेकअप तो लगभग कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं अपनी हेयर स्टाइल करके बाकी जो गहने हैं वो पहन के आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।